फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट में। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सभी तक ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रशिया के इस ब्रह्मास्त्र से अमेरिका को इतना डर क्यों लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले रॉयटर्स में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अगर भारत रूसी एस्पॉन्डेड डिफेंस सिस्टम को खरीदता है तो अमेरिका ने जैसे तुर्की पर सैंक्शन लगा दिए हैं, वैसे ही सैंक्शन भारत पर भी लगा दिए जाएंगे। और दोस्तों, अमेरिका नहीं चाहता है कि इंडिया जैसे कई देश रूसी एस्पॉन्डेड डिफेंस सिस्टम खरीदे, इसीलिए अमेरिका द्वारा उन सभी देशों को सैंक्शन का डर दिखाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, अब से कुछ वर्ष पहले 2017-18 में अमेरिकी सदन में एक बिल पास हुआ था जिसका नाम था कैटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक अमेरिका के दुश्मन देश से अगर कोई हथियार खरीदता है तो उस पर प्रतिबंध या सैंक्शन लगा दिया जाएगा। इसमें रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को दुश्मन माना गया था। लेकिन दोस्तों, इस एक्ट को लाने का मुख्य कारण एस्पॉन्डेड को बेचने से रोकना था, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की कमाई का मुख्य हिस्सा हथियार, फाइटर जेट और उनके पार्ट्स को बेचकर ही आता है। और अमेरिका पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 की मांग दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, रूसी एस्पॉन्डेड डिफेंस सिस्टम सभी अमेरिकी हथियार से सुरक्षा की गारंटी देता है। इसमें F-35 भी शामिल है जिस पर अमेरिका बहुत गर्व करता है। ये F-35 को मार गिराने में सक्षम है। इसी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है कि अगर एस्पॉन्डेड को खरीदने की होड़ शुरू हो गई तो अमेरिका हथियार की बिक्री के मामले में पिछड़ जाएगा। और जब रूसी एस्पॉन्डेड सभी हथियार से सुरक्षा देगा तो कौन अमेरिकी हथियार को खरीदना चाहेगा? इसीलिए अमेरिका कार्टसा को लेकर आया ताकि कोई भी एस्पॉन्डेड को ना खरीदे। लेकिन दोस्तों, प्रतिबंध के खतरे के बावजूद भी कई देश एस्पॉन्डेड को क्यों खरीद रहे हैं? इसका कारण है क्योंकि दोस्तों, एस्पॉन्डेड बहुत एडवांस और बहुत ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर एस्पॉन्डेड को पाकिस्तान चीन सीमा पर तैनात कर दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान और चीन के कई शहर इसके रेंज में आएंगे। और एस्पॉन्डेड सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट को नष्ट कर सकता है। एस्पॉन्डेड का रडार एक साथ 100 से लेकर 300 टारगेट को भी ट्रैक करने में सक्षम है। एस्पॉन्डेड दुश्मन के विमान, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और जमीनी हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। एस्पॉन्डेड में सबसे एडवांस अमेरिकी पांचवीं पीढ़ी के F-35 को मार गिराने की क्षमता है। और तो और दोस्तों, एस्पॉन्डेड से पाकिस्तान और चीन की न्यूक्लियर मिसाइल भी बच नहीं पाएंगी। एस्पॉन्डेड अपने आप में एक मिसाइल शील्ड है। अमेरिका अपने सबसे ताकतवर एडवांस पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट पर बहुत गुमान करता है। लेकिन अगर एक छोटा सा भी देश एस्पॉन्डेड को खरीद ले तो अमेरिका का F-35 भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि सुपर पावर बने रहने के लिए अमेरिका बार बार कोशिश करता है कि रूस का ब्रह्मास्त्र केवल रूस के पास ही रहे, किसी और देश को ना मिले। वहीं दोस्तों, एस्पॉन्डेड की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि एस्पॉन्डेड को ट्रक पे लोड करके कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसको तैनाती के लिए बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और उसको ढूंढ कर नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। वहीं दोस्तों, एस्पॉन्डेड में 4 अलग अलग तरह की रेंज वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 400 किलोमीटर होती है। एस्पॉन्डेड 100 फीट से लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले सभी एरियल टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। इसका रडार 600 किलोमीटर तक 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। न्यूक्लियर वारेड वाली मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, एस्पॉन्डेड के एक्टिव होते ही ये दुश्मन के इलाके में ही ख़त्म हो जाती हैं। अमेरिका इसीलिए ऐसा माहौल बनाए रखता है कि कोई भी देश एस्पॉन्डेड को ना खरीदे, जिससे अमेरिकी हथियार की डिमांड विश्वभर में बनी रहे और अमेरिका का वर्चस्व दुनिया भर में बना रहे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।